तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग और सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो एक नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग, और अभी तक हमारे गांव का देवता नहीं आया है जो कि परसों गए थे यात्रा के लिए, आज वो आने वाले हैं। तो मंदिर में उनके आने के लिए स्वागत की तैयारी के लिए मंदिर को सजाया गया है, और बाद में शायद कुछ पानव नृत्य या कुछ कार्यक्रम हो, तो आज आपको वही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैंने आज का ब्लॉग शाम को शुरू करा है। अभी तक मैंने दाल कूटी और मेरे हाथ में ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन छाले पड़ गए हैं। तो आज का ब्लॉग पहाड़ी संस्कृति पे होने वाला है। अगर पांडव लोग जो नहाने गए थे यानी यात्रा करने गए थे दोनों धाम, वो आएंगे तो वो शायद रात को नृत्य करें या कुछ और कार्यक्रम हो। जिस हिसाब से मंदिर डेकोरेट किया गया है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, अभी मुझे कंफर्म कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉग को स्टार्ट करा है। और दिन में ही वैसे मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था लेकिन कम ही मैंने शूट करा था। तो वीडियो को आप पूरा देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए रोज़ आजकल डेली ब्लॉग ला रहा हूँ, डेली बोले तो हमेशा। तो मेरी आँखें आज काली काली हो रखी है। ये आपको मंदिर दिख रहा होगा, चांदनी वगैरह वहाँ पे लगाई गई है, लड़ी वगैरह। तो देखो अभी तक तो आया नहीं है, मतलब अभी तक तो आए नहीं है गांव के लोग, पता नहीं कितनी लेट में वो पहुँचेंगे। तो भगवान जी आ गए हैं और हम उनके स्वागत के लिए जा रहे हैं रोड पे। अभी ढोल बजा तो इसका मतलब आ गए हैं सभी लोग, धूप और अगरबत्ती लेके जा रहे हैं भगवान जी के स्वागत के लिए, और जो लोग यात्रा से आए हैं उनके स्वागत के लिए। तो अभी रात हो गई है, आपको दिख रहा होगा, और हमारी शक्ल बिल्कुल डार्क डार्क हो गई है। तो सीधा सड़क पे चलते हैं। ये सभी लोग स्वागत के लिए यहाँ पे धूप और अगरबत्ती लेके और थाली पे पिठाई लेके भगवान के स्वागत के लिए सभी लोग रास्ते में आ रखे हैं हमारे गांव के जितने भी गांव में थे। और अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो ये लोग सब पहले ही आए हुए हैं। पूरा मंदिर खाली हो गया है और कुछ ही लोग बचे हैं यहाँ पे, जो कि उन लोगों के लिए खाना बना रहे हैं जो कि यात्रा से आए, तो उनका खाना आज मंदिर के ऊपर ही। और आज हम पूरी रात यहीं रहने वाले हैं, अभी तो कम ही लोग बचे हैं जो कि दूसरे गांव के यानी बडियार गांव के हैं, और हमारे सारे गाँव वाले अपने अपने घर जा रखे अभी, और थोड़ी देर में वो खाना खा के आएँगे। और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए यहीं पर वहाँ पर खाने की तैयारी चल रही है, और जो पांडव लोग हैं वो तो खैर यहीं हैं सभी लोग। और थोड़ी देर में यानी आज पूरी रात हम यहीं रहने वाले हैं, तो अब सीधा आपको बाद में मिलते हैं, तब तक आप पहले वाले क्लिप का आनंद लीजिए।
पास में
पे डंगवाल जी भी चाय बना रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग वाली चाय के साथ हम आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। और कुछ लोग सो गए हैं अभी और कुछ लोग जगे ही है चाय का वेट कर रहे हैं। जब तक सुबह नहीं हो जाती यानी सूरज नहीं निकल जाता तब तक सभी लोग मंदिर के ऊपर रहेंगे। लेकिन ब्लॉग को मैं ख़त्म कर देता हूँ। और कल ब्रह्म भोज होगा यानी जो लोग यात्रा पे गए थे उनके द्वारा यहाँ पूजा दी जाएगी। तो पूजा का अलग से ब्लॉग आएगा। इस ब्लॉग को भी अपना प्यार देना। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिलहाल हम गुड मॉर्निंग वाली चाय का आनंद लेते हैं और उसके बाद ब्लॉग को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि सभी लोग चाय का वेट कर रहे हैं और काफ़ी लोग हैं चाय पीने वाले। तो 5 बज चुके हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। और अभी शक्ल दिखाने लायक नहीं है क्योंकि आंखें बिल्कुल सूजी रखी है क्योंकि रात भर हम नहीं सोए थे इसलिए। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट।